आज हम चौको बनाना आइसक्रीम बनाने वाले हैं, तो चलो देखते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हम दो केलों को टुकड़ों में काट लेंगे और 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीजर में जमाने के लिए रख देंगे। अब हम उनको जार में डाल के पीसेंगे। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम दूसरी मिक्सी में 1 पैकेट ग्लूकोज के बिस्किट और 1 पैकेट चोको चिप बिस्किट का डालेंगे। हम इनको तोड़ तोड़ के डालेंगे। अब हम इसमें 4 चम्मच चीनी डालेंगे। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। अभी ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसमें केले का मिक्सचर डाल देंगे। अब हम इसमें 1 कप मलाई डालेंगे। अब हम इसमें 2 स्पून मिल्क पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून वनीला एसेंस डालेंगे, ऑप्शनल है। अब हम इसमें 1 कप मिल्क डालेंगे। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। इसको ज्यादा ग्राइंड नहीं करना, हमको इसको रुक रुक के ग्राइंड ही करना है। अब ये ग्राइंड हो चुका है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। अब हम इसको एयरटाइट कंटेनर में डाल देंगे। अब हम इसको प्लास्टिक से कवर करके इसका ढक्कन लगा के 3 से 4 घंटे फ्रीजर में जमने के लिए रख देंगे। अब ये जम गई होगी। अब हम इसको निकाल के मिक्सी जार में वापस से डाल देंगे। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। अब ये हो गई है। अब हम इसको वापस से एयरटाइट डिब्बे में डाल देंगे। अब हम इसको किसी भी प्लास्टिक से कवर करके इसका ढक्कन लगा के इसको जमाने के लिए रख देंगे। अब ये हो चुकी है। And now it is ready to serve. Thank you.